तो होने वाली है और जंग कौन जीतेगा ये बोल नहीं सकता। इस टीजर इसने ऐसा किया इसलिए मूड ऑफ हो गया, लेकिन वो रोहित शेट्टी वाली फिल्म अजय देवगन वाला तो वो बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्या भेजेगा क्या देखेंगे वो अलग बात है उसकी। दोस्तों सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाइनली ये साल की सबसे बड़ी मच अवेटेड मूवी पुष्पा पार्ट टू का टीजर रिलीज हो गया और आज अल्लू अर्जुन सर का बर्थडे का भी मौका है तो टीजर भी आ गया, तो क्या कहना चाहोगे? पहले बर्थडे का मौका है उनको, बर्थडे विशेष किस अंदाज से देना चाहोगे? पहले तो हैप्पी बर्थडे अल्लू अर्जुन को, बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिवस का। और दूसरी बात ये है कि भाई ऐसे इस मौके पर उन्होंने टीजर रिलीज़ किया, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन जो मज़ा हम अल्लू अर्जुन में देखना चाहते हैं ना तो उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। देख के मर तो मूड ख़राब हो रहा है वो, क्यों वापस एक बार देख लिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या यार बनाया यार। या तो फिर वो अल्लू अर्जुन को हम लोग जिस आँख मतलब नज़र से देखते ना उस नज़र का वो टीजर ही नहीं है। अगर फिर वो लोग चेंज करके दे एक्शन वाले को डाले तो पुष्पा मतलब तो पहले पुष्पा और सेकेंड पुष्पा में डिफरेंट और ज़बरदस्त होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं पब्लिक, इसका मतलब ये है कि भाई वो इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि उनको और मज़ा आना चाहिए देखने के लिए, पहले वाले से ज़्यादा मज़ा ज़्यादा होना चाहिए तब आदमी इंतज़ार करता है। करेक्ट, तो वैसे ही हो, लेकिन वो टीजर तो इतना बहुत मूड ख़राब हो गया, अब क्या बोले किसको कि लुक्स को लेकर क्या कहेगा? जिस तरीके से उनका लुक्स बोले तो एक औरत टाइप का है, जैसे आपने देखा होगा कांतारा में जो तो उस लोग कांतारा से कंपेयर भी कर रहे हैं, उस पर क्या बोलो? नहीं, कांतारा से कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं इसको, ये लुक लोग टीजर में डालना ही नहीं चाहिए था। एक्शन वाले एक दो शॉट डालते ना अल्लू अर्जुन को पब्लिक देख के खुश हो जाती, ये सस्पेंस रखना चाहिए था। ये जो ड्रेसिंग वाला किया था ना उन्होंने, ये सस्पेंस रखना चाहिए था, लेकिन वो लगना नहीं चाहिए था। जो मैंने पब्लिक को अल्लू अर्जुन को देखने का नज़र अलग है ना, आपके हिसाब से लगता है कि ये जो उनका लुक है वो रिवील नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये सस्पेंस रहना चाहिए था। जी जी, चलिए सेकंड हम आते हैं सिंघम 3 उसी दिन रिलीज हो रही है। हाँ तो सही है, तो आप क्या कहना चाहोगे ये क्लैश पे क्या लगता है आपको? नहीं क्लैश पे क्या, उसका भी ट्रेजर कैसा आएगा उसके ऊपर डिपेंड है। अगर हम सिंघम की बात करें तो अशोक सर सिंघम में अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ है, रोहित शेट्टी है, रोहित शेट्टी वाला है, शेट्टी की मूवी है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, तो क्या लगता है आपको कितना बड़ी जंग होने वाली है बॉक्स ऑफिस में? नहीं, जंग तो होने वाली है और जंग कौन जीतेगा ये बोल नहीं सकता। इस टीजर इसने ऐसा किया इसलिए मूड ऑफ हो गया, लेकिन वो रोहित शेट्टी वाली फिल्म अजय देवगन वाला तो वो बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्या भेजेगा क्या देखेंगे वो अलग बात है उसकी। क्या बात है, अगर टीजर को रेटिंग देनी हो तो आप कितने दोगे स्टार्स 5 में से इसको? ये आपने पुष्पा को मैं 2 दे दूंगा मैं, 2 स्टार बस? नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि जो चीज़ अच्छी है तो उसको अच्छी बोलेंगे ना। जी जी, हाँ कोई चीज़ अजय देव ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ये बंगलो बहुत अच्छा है तो अच्छा ही बोलेंगे। करेक्ट, अगर बंगलो अच्छा नहीं है नहीं तो ऐसा बोल बोलो तो नहीं बोलेंगे ना। करेक्ट, हाँ या तो आप अंधे हैं या तो आपको बोलने लगाया, यही होता है। क्या बात है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय, धन्यवाद।